ये है चक परौना, शायद गांव का नाम है, और सामने है गोपीगंज। और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है कोलकाता धनबाद। तो गाइस यार, यहाँ से हमारा जो गोपीगंज मार्केट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको गोपीगंज मार्केट का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, गोपीगंज मार्केट के नज़ारे। तो बने रहेगा लास्ट तक। और जो मार्केट है यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अभी भीड़ बहुत कम ही है, गाड़ियाँ जा बहुत कम ही रही हैं। तो सामने तो अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होंगी, शाम का समय है। तो अभी आगे चलते हैं, फिर आपको कुछ दिखाते हैं। सामने ये शायद इलाहाबाद के लिए बस, इस तरफ फल की कुछ दुकानें, इस तरफ ज़्यादा हैं। और यहाँ पर पता नहीं क्यों अभी बहुत भयंकर वाली भीड़ लगी थी, लेकिन एक आवे पूरा खाली भी हो गया। तो अभी देखो ये रोड, ये गाड़ी तो साइड में लग गया है, लेकिन ये रोड देखो अभी एकदम खाली खाली। तो अच्छा लगता है, भीड़ ज़्यादा है नहीं, तो आराम से चल सकते हैं। अभी हमारे हम तो साइकिल से ही चल रहे हैं। देखो साइड में ज्ञानपुर, विन्ध्याचल, विन्ध्याचल के लिए दाहिने, ज्ञानपुर बाएं तरफ, और एक लगा है पता नहीं कहाँ का, नीम से ढका हुआ। तो कुछ ऐसा है अपना गोपीगंज मार्केट। तो अभी अंदर की साइड मेन मार्केट है, तो अंदर ही चलते हैं। इस तरफ देखो बहुत सारी दुकानें हैं दोनों साइड। लगता है ख़राब हुआ। और देखो ये बाएं साइड कोतवाली भदोही पुलिस स्टेशन था, अच्छे से नहीं ले पाया। और ये देखो बीच में भी दुकानें खोल रखी, मस्त पसंद था यार। और देखो कितनी मस्त साइकिल रखी है बच्चों के लिए, वैसे भी दोनों है, किड्स वाले तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। डिजाइन भी काफ़ी मस्त बना रखे हो। इस तरफ भी देखो बहुत साइकिल की बहुत सारी दुकानें हैं, पीछे 2-3 थे ये किए भी। देखो बोर्ड लगा रहा कालीन नगरी भदोही कारपेट सिटी। तो वैसे यहाँ से हमारा अपना गोपीगंज मार्केट का जो है वो स्टार्ट होता है मेन मार्केट। तो इस एरिया में लगभग सारे सामान मिल जाएंगे। तो देखो भीड़ है, तो ये गोपीगंज मार्केट का व्यू आपको कैसा लग रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे उतना ज़्यादा आइडिया है नहीं कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो यार आगे निकल चुके क्या, ज्ञान वाले रोड पर जाना चाहिए था। तो ये बाएं साइड अस्पताल, तो भी सीधे सामने चलते हैं। रोड पर बकरी। तो वैसे यहाँ से देखो बहुत सारे फ्रूट्स के दुकानें हैं। और इस तरफ जाएंगे तो सीधे मिर्ज़ापुर, सीधे तो काशी आएगा बनारस। इस तरफ मिर्ज़ापुर देखो बोर्ड लगा रखा, मस्त लगता है यार। तो ऐसा था कुछ अपना गोपीगंज मार्केट का व्यू। तो आई होप कि आपको जो भी दिखाने का प्रयास किया अच्छा लगा होगा।
और यहाँ से गोपीगंज मार्केट जो है वो ख़त्म होता हुआ, तो अभी हम तो सीधे निकल जाएंगे घर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।